हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉब और बिज़नेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हम लोग जो अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं, तो उनके लिए जॉब और बिज़नेस में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जॉब के बारे में। हमें जॉब मिलने के लिए पहले तो 20-25 साल तक अपना पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। हमारा जो भी प्रोफेशन है उसमें हम लोगों को अपना स्किल बढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद हमें अपना कंपटीशन जो है आज के डेट पे, अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो भी बहुत कंपटीशन आ गया है, तो इस कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। तो 20-25 साल के मेहनत और उसके बाद 1-2 साल या 3-4 साल तक का जो कंपटीशन है उसको फेस करने के बाद हमें एक जॉब मिल जाता है ठीक ठाक। और इस जॉब में आपको फिर रोज़ जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ढेर सारा, और मंथ के एंड पे आपको एक सैलरी मिल जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे तो फिर भी आपका सैलरी खुद एक लिमिट तक बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसमें एक लिमिटेशन रहता है, अगर आप जॉब करेंगे तो एक लिमिटेशन रहेगा। आप कहीं पे भी जॉब में चले जाएंगे, गवर्नमेंट में या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में चले जाएंगे, फिर तो वहाँ पे स्केल होता है, उससे ज़्यादा तो आपको मिलेगा ही नहीं एक आध बोनस के अलावा। तो उसमें एक लिमिटेशन तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा लिमिटेशन रहता है कि उसमें आप जो है अपना बॉस का ड्रीम पूरा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे हाँ आपको तो सैलरी मिल जाता है, तो क्या वो सैलरी आपके लिए इनफ है? इसमें भी एक मैनेजमेंट या साइकोलॉजिकल एक थ्योरी आ जाता है कि हम एम्प्लॉयज़ लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें जॉब से ना निकाला जाए। जबकि बॉस ऐसा नहीं सोचता है, बॉस सोचता है कि मैं उतना ही उसको सैलरी दूंगा कि वो जॉब से ना भागे। तो आप समझ लीजिए इस बात को बहुत डीपली। तो इसमें एक और स्टोरी भी आप सुन लीजिए दोस्तों। जैसे कि एक दिन एक बॉस, एक दिन एक ओनर बिजनेस का, अपने लैम्बर्गिनी कार जो है, जो बहुत कीमती कार होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, उसमें जा रहे थे। और कुछ एम्प्लॉयज़ लोग बताए कि सर आपका गाड़ी तो बहुत अच्छा है। तो ओनर ने बताया कि हाँ आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते जाओ तो मुझे नेक्स्ट साल एक और गाड़ी मिल जाएगा। तो आप ये सब बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपकी मेहनत की वजह से आपका बॉस का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल हो रहा है, आपका नहीं। तो आप अगर अपना खुद का बिज़नेस शुरू करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा? बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि ये लिमिटलेस होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। आप जीतोड़ मेहनत कीजिए अपने बिज़नेस को, आपका बिज़नेस बढ़ने की कोई लिमिट नहीं रहेगा, आप उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। पहले तो आप खुद से शुरू कर सकते हैं, फिर अपना असिस्टेंट रख सकते हैं, फिर 2-3 एम्प्लॉय रख सकते हैं जो बहुत सारे कंपटीशन फेस कर रहे थे। इतना कंपटीशन फेस करने के बाद जिन लोगों को जॉब मिल रहा था उन सारे लोगों को आप अपना एम्प्लॉय बना सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो बिज़नेस है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। आप फिर अपना जो जॉब बिज़नेस है उसको आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं ताकि आपका खुद का पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो जाए। आप अपना मैनेजर रख सकते हैं, अपना बिज़नेस को बहुत बढ़ा सकते हैं। और जो भी आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम बहुत मिल जाता है उसके बाद, आप अगर ऑटोमेटेड कर देते हैं अपने बिज़नेस को, तो फिर आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है उस एक्स्ट्रा टाइम में आप कोई दूसरा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और इसी तरीके से बिजनेसमैन जो है वो रिच से रिचर बन जाते हैं, और हम एम्प्लॉयज़ जो है वो हमेशा मिडिल क्लास होके रह जाते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से एक बिज़नेस सेटअप कीजिए जिस बिज़नेस को आप अपने मेहनत से खड़ा कीजिए, और जब आप रिटायरमेंट के एज पे पहुंच जाए, हालांकि अपने बिज़नेस में, खुद के बिज़नेस में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द होता नहीं है, फिर भी अगर आपका एज या आपका हेल्थ परमिट नहीं कर रहे, तो फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन को आप पूरा बिज़नेस जो है, पूरा एम्पायर जो आपने इतने दिन से खड़ा किए हैं वो पूरा पास ऑन कर सकते हैं। तो आप तो रिच बने, आपका भविष्य तो सुधार गया, उसके साथ साथ आपका नेक्स्ट जनरेशन का भी भविष्य सुधर गया। जबकि आप अगर खुद से, अगर आप एक एम्प्लॉय हो या किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, तो वो जॉब अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है बिज़नेस का। तो इसके बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से सोचिए, खुद के हिसाब से एक बिज़नेस खड़ा कीजिए, और फिर अपना ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करिए। आशा रखते हैं कि आप लोग भी अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।